आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर जिसकी बात करना बहुत जरूरी है। आज आपको 23 साल के उस क्रांतिकारी से मिलवाने का टाइम आ गया है जो आज दुनिया को एक तरीके से आप समझिए ईरान के उस 23 साल के क्रांतिकारी के आखिरी शब्द सुनाएंगे जो अपने देश की 4 करोड़ महिलाओं की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया और जाते जाते कह गया कि मेरी मौत के बाद कुरान मत पढ़ना, मेरी मौत के बाद पर कुरान मत पढ़ना, मेरे मरने के बाद दुख मत मनाना और जब संगीत बजाना, जश्न मनाना, मौत को गले लगाने से पहले 23 साल के इस क्रांतिकारी युवा ने ये बातें क्यों कही, इसका अर्थ क्या है और इस 23 साल के लड़के का कहा एक एक शब्द क्यों आज भारत की उन 7 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जिन्हें हिजाब और बुर्के में कैद करके रखने के लिए भारत का ही एक बहुत बड़ा वर्ग लड़ाई लड़ रहा है। ये सब आज हम आपको बताएंगे लेकिन पहले आप इस क्रांतिकारी के आखिरी शब्द सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن. درست. شادی کنن. آهنگ شاد پخش. 23 سال کے اس لڑکے کا نام ہے ماجد رضا رہنورد۔ یہ لڑکا ایران میں پچھلے 4 مہینوں سے سرکار کے خلاف ہو رہے ویرودھ پردرشنوں میں شامل تھا۔ حجاب ویرودھی پردرشنوں میں شامل تھا۔ مہیلاؤں کے حق میں हक की लड़ाई ये लड़ रहा था। इन विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में इस्लामिक कट्टरता से महिलाओं की आजादी की मांग और इसी मांग के साथ ये लड़का भी एक दिन सड़क पर उतर गया। इसी दौरान माजिद रेजा पर 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप लगा और फिर कुछ दिन की सुनवाई के बाद ईरान की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद क्या हुआ, फांसी से कुछ दिन पहले इस लड़के की मां उससे मिलने जेल में आई लेकिन उसने अपनी मां को नहीं बताया कि उसे फांसी होने वाली है बल्कि वो मुस्कुराकर अपनी मां से बात करता रहा और 12 दिसंबर को सार्वजनिक रूप से फांसी के फंदे पर झूल गया। लेकिन फांसी से ऐन पहले उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है इसमें वो कह रहा है कि मेरे मरने के बाद कुरान मत पढ़ना मेरे पर। आप इस वीडियो को जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि लड़के के चेहरे पर, हम जो तस्वीर आपको दिखाएंगे उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, उसे फांसी होने वाली है लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल कोई घबराहट नहीं है। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है लेकिन वो अपने शब्दों से उन लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है जिनकी आंखों पर कट्टर पंथ की काली पट्टी बंधी है। फांसी की सजा से पहले जब 23 साल के माजिद रेजा से पूछा गया कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है, उसने 14 सेकंड के इस वीडियो में 1400 साल पुरानी सोच को मिट्टी में मिला दिया। उसने विरोध स्वरूप कहा कि उसकी मौत पर कुरान पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही अफसोस मनाने की जरूरत है बल्कि उसकी मौत का जश्न मनाया जाए, संगीत बजाया जाए। ये शब्द कहकर उसने उस सोच को आईना दिखाया जो ईरान की 4 करोड़ महिलाओं के लिए गुलामी का सबब बन चुकी है। देखिए माजिद रेजा के इन शब्दों के जरिए एक तरह से उस धर्म को भी नकार दिया गया जिसने उसने जन्म लिया। उसने इन शब्दों के जरिए मरने से पहले इस्लाम से अपना हर नाता तोड़ लिया। ईरान में उन लोगों को फांसी देने का सिलसिला शुरू हो चुका है जो हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का हिस्सा रहे हैं। आप जानते हैं ईरान में जबरदस्त तरीके से हिजाब विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कों पर लोग हैं। आरोप है कि ईरान की सरकार मनगढ़ंत इल्जाम लगाकर लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे रही है। एक हफ्ते पहले 23 साल के ही एक और लड़के जिसको आप देख रहे हैं मोहसिन शेखरी को भी ऐसे ही फांसी की सजा दे दी गई क्योंकि ये भी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में महिलाओं के साथ सड़कों पर उतरा था। प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों का कहना है कि ईरान की सरकार बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी देने की योजना बना रही है और जिन्हें फांसी दी जानी है उनमें डॉक्टर्स से लेकर रैपर हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं। जिन लोगों को फांसी दी जानी है उनमें ईरान के 26 साल के फुटबॉलर आमिर आजादानी भी शामिल है जिन्हें फांसी दी जानी है। आप 23-23 और 26-26 साल के इन लड़कों की तस्वीरें एक साथ देखिए, हम आपको दिखाएंगे और सोचिए ये वो युवा हैं जिनके सामने इनकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। वो चाहते तो अपने देश की महिलाओं को मतलब तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ सकते थे, भाई उनकी जिंदगी तो ऐशो आराम के साथ कट रही थी, पूरे देश में वो मनमर्जी के साथ कपड़े पहनकर घूमते, संगीत सुनते, पार्टियां करते, फुटबॉल मैच देखते, लेकिन इन युवाओं ने ऐसा नहीं किया बल्कि इन्होंने अपने देश को कट्टर इस्लामिक कानूनों के चंगुल से छुड़ाने की लड़ाई लड़ी और अपनी जान तक देने के लिए ये तैयार हो गए। इसके विपरीत
भारत में आपने शायद ही ईरान की महिलाओं के समर्थन में कोई विरोध प्रदर्शन देखा होगा, शायद ही आपने किसी मुस्लिम युवा को बुर्के और हिजाब का विरोध करते हुए देखा होगा। ईरान में बुर्के और हिजाब के विरोध में वहां के युवा फांसी चढ़ रहे हैं। भारत में शायद ही आपने देखा होगा बुर्के और हिजाब के पक्ष में तो प्रदर्शन होगा, लेकिन बुर्के और हिजाब के विरोध में किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। तो बल्कि क्लासरूम में हिजाब के लिए लड़ाई लड़ते हैं लोग, बल्कि हमारे देश में तो कुछ लोग स्कूल जाती छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब में कैद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्लासरूम में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इसे संविधान और लोकतंत्र से हासिल आजादी तक बता देते हैं, चॉइस बताते हैं। ईरान में सोचिए क्या हो रहा है। ओवैसी जैसे नेताओं की तो ख्वाहिश है कि भारत को हिजाब पहनने वाली कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री मिले, और ऐसा करके ये लोग भारत की उन 7 करोड़ मुस्लिम महिलाओं की ख्वाहिशों को एक तरीके से फुटबॉल बना देते हैं, जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं। ऐसे लोगों को आज मौत को गले लगाने को तैयार ईरान के युवा क्रांतिकारियों से सबक लेना चाहिए और अपनी कट्टर सोच को फांसी दे देनी चाहिए। बहुत जरूरी थी खबर, लोगों की जान से खेलने वाली सोच के बाद ये जो खबर हमने आपको दिखाई। अब हम